दर्शक बीते सालों में अगर फिल्मों से ज्यादा टीवी शोज देख रहे हैं तो उसके पीछे एक वजह शोज में नजर आने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, जो अपनी मासूमियत से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और अपनी मासूमियत भरी अदाकारी के साथ सबका दिल जीतती हैं। ऐसे ही टीवी शोज में नजर आई कई बाल अदाकाराओं ने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीता। लेकिन आपको बता दें, आप सबकी वो फेवरेट बाल अदाकाराएं समय के साथ साथ काफी बड़ी हो गई हैं और काफी बदल भी गई हैं। बदलते समय का असर उन एक्ट्रेस पर ऐसा हुआ कि आज उन्हें एक नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी पर काम कर चुकी पांच मशहूर चाइल्ड एक्ट्रेस से रूबरू करवाएंगे, जिन्हें देख आप भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। फिर आइए जानते हैं। नंबर वन, अशनूर कौर। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की आपको छोटी नायरा याद है, उसे छोटी नायरा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हैं अशनूर कौर, जो शो में छोटी नायरा के रूप में काफी क्यूट और ब्यूटीफुल नजर आई, जिसके बाद इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई टीवी शोज किए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, बीते सालों में ये बहुत बदल गई हैं और छोटी और क्यूट नजर आने वाली ये एक्ट्रेस 17 साल की हो गई हैं और बेहद सुंदर दिखती हैं। शो की तरह अब ये मॉडर्न अंदाज वाले कपड़ों के साथ साथ डिजाइनर कपड़े भी कैरी करती हैं। इसके अलावा अब इन्होंने अपने लंबे बालों को छोटा करवा लिया है और अपना लुक बदल लिया है, इसलिए तो आज ये पहले से काफी अलग दिखती हैं। वहीं आज भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव हैं और इन दिनों म्यूजिक वीडियोस में काम कर रही हैं और अपनी निजी लाइफ में सिंगल हैं। नंबर टू, रूहानिका धवन। टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय धारावाहिक ये है मोहब्बतें में प्यारी सी रूही का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूहानिका धवन ने अपने क्यूटनेस से इस सीरियल को बेहद रोमांचक बना दिया था। लेकिन आपको बता दें, प्यारी सी रूहानिका आज इन्होंने अपनी 13 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और काफी बड़ी दिखती हैं। साथ ही पहले से हेल्दी हो गई हैं। आज भी पहले जितने ही लॉन्ग हेयर हैं और इनकी फेस स्माइल भी बिल्कुल पहले की तरह है। लेकिन इन बीते सालों में ये काफी स्टाइलिश हो गई हैं, इसलिए तो अक्सर इन्हें मॉडर्न लुक में देखा जाता है, पर वर्तमान में ये एक्टिंग की दुनिया से दूर पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। नंबर थ्री, जन्नत जुबैर रहमानी। जन्नत जुबैर रहमानी ने बाल कलाकार के रूप में टीवी शो फुलवा से अपने बाल अभिनय की शुरुआत की, जो छोटी फुलवा के रूप में चोटी बांधे सूट सलवार वाले अवतार में नजर आई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इन बीते सालों में ये बहुत बदल गई हैं। ये 19 साल की उम्र में बड़ी हो गई हैं और बेहद सुंदर दिखती हैं। साथ ही साथ ये काफी ग्लैमरस अवतार रखती हैं और मॉडर्न अवतार वाली ड्रेसेस कैरी करती हैं, जिसमें ये बेहद खूबसूरत दिखती हैं। आपको बता दें, इन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को एक्टिव रखा है, पर अब ये टीवी शोज नहीं बल्कि म्यूजिक वीडियोस में काम कर रही हैं। नंबर फोर, अनन्या अग्रवाल। स्टार प्लस के शो सिया के राम में माता सीता के बाल अवतार को पर्दे पर उतारती नजर आई अनन्या अग्रवाल और अपनी मासूमियत से सबको अपना दीवाना बना लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये चाइल्ड आर्टिस्ट भी बहुत बदल गई हैं। जैसे शो में ये माता सीता के बाल अवतार में एक छोटी सी बच्ची थी, जिन्होंने लहंगा चोली पहनी और बालों का कर्ली हेयर स्टाइल बनाया, पर आज ये शो के मुताबिक बदल गई हैं। आज 17 साल की उम्र में अब ये पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही बल्कि बड़ी हो गई हैं और ये अब मॉडर्न स्टाइल वाली एक्ट्रेस बन गई हैं, जो लहंगा चोली नहीं बल्कि जीन्स टॉप, शॉर्ट स्कर्ट और स्टाइलिश ड्रेसेस कैरी करती हैं। आपको बताते चले, आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को एक्टिव रखा है और हाल ही में इन्हें लॉकडाउन की लव स्टोरी टीवी सीरियल में देखा गया। इन दिनों ये अपने आने वाले शो को लेकर बिजी चल रही हैं। नंबर फाइव, रीम शेख। नीर भरे नैना देवी सीरियल में देवी के किरदार में नजर आई रीम शेख, जिन्होंने बाल कलाकार के तौर पर काम किया और बेहद ही क्यूट नजर आए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपकी ये छोटी सी देवी बहुत बड़ी हो गई हैं, 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं, साथ ही काफी बदल गई हैं। आज ये 18 साल की उम्र में देवी के संस्कारी अवतार में नहीं बल्कि एक ग्लैमरस एक्ट्रेस का अवतार रखती हैं। अब ये शॉर्ट और मॉडर्न ड्रेसेस कैरी करती हैं, जिसमें ये बेहद सुंदर दिखती हैं। इनकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं इनके लंबे बाल। आपको बता दें कि आज भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव हैं और इनका करंट टीवी शो है तुसेहरा बता, जिसमें ये कल्याणी का रोल निभा रही हैं। तो दोस्तों आप इनमें से किस चाइल्ड एक्ट्रेस का बदला हुआ रूप देखकर सबसे ज्यादा हैरान हुए, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।